हेलो एवरीवन, तो आपको पता है आज है 27th of June 2023 और आज है वर्ल्ड MSME डे। MSME के बारे में हम जानते हैं, इट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बेसिकली यही एक टर्मिनोलॉजी है जो कि वर्ल्ड यानी ग्लोबल इकोनॉमी को सपोर्ट करती है और कहा जाए इसकी एक बैकबोन है ग्लोबल इकोनॉमी का, क्योंकि ये जॉब्स क्रिएट करती है, इनोवेशन लेके आती है और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करती है हर कंट्री की। तो अगर इसकी हिस्ट्री में जाए तो 2017 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने वर्ल्ड MSME डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया था। द रीजन फॉर चूजिंग द स्पेसिफिक डेट इज बिकॉज दिस डे कोइंसाइड्स विद यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये ग्लोबल कॉम्पैक्ट एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो कि सारे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को कुछ सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करती है जिससे कि वो सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सके। तो अगर इंडिया के स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो टोटल बिजनेसेस जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं उसमें से 90% आर फ्रॉम MSME, और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया के कम्प्लीट एम्प्लॉयमेंट में 40% एम्प्लॉयमेंट MSME के द्वारा आता है। तो वर्ल्ड MSME डे एक डे है जो सेलिब्रेट किया जाना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑन पीक। हर पर्सन आज एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है बिकॉज इस जनरेशन में ये नहीं सोच रहे कि हाँ हम जॉब करेंगे, इस जनरेशन का थॉट प्रोसेस है हम जॉब प्रोवाइड करेंगे। और इंडिया एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री की वजह से एक बहुत ही अच्छा मैन पावर रिसोर्स कंट्री है, जहाँ पे ईजिली मैन पावर अवेलेबल हो जाता है और इंटेलेक्चुअल मैन पावर अवेलेबल हो जाता है ड्यू टू इट्स एजुकेशन सिस्टम। तो आइए आप और हम सब मिल के कोशिश करें कि इंडिया का इन्वायरमेंट इतना फेवरेबल हो कि एंटरप्रेन्योरशिप और ग्रो करने लगे और मैक्स टू मैक्स जॉब्स डेवलप। तो इसी के साथ आज है 27th of June 2023 और आज है वर्ल्ड MSME डे। अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो इस डे को सेलिब्रेट कीजिए बिकॉज ये आज आपका दिन है, आपकी ग्रोथ के लिए दिन है। और अगर आप नहीं हैं तो अपने एंटरप्रेन्योर दोस्त को मोटिवेट कीजिए कि हाँ वो और ग्रो करे और आगे बढ़ते रहे। तो इसी तरीके की नॉलेजफुल और डेली ज्ञान के लिए फोकट के ज्ञान को फॉलो कीजिए और फोकट का ज्ञान देते रहिए।